मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने जन जन के मन में क्रांति और साहस की ऐसी अलख जगाई कि आज देश की स्वतंत्रता के उपरांत भी ये विभूतियां युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज इन तीन क्रांतिकारियों की स्मृति में हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने जन जन का आह्वान किया कि इन महान क्रांतिकारियों के आदर्शों को जीवन में उतारे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के वीरों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग का सदैव अनुसरण करें। मुख्यमंत्री ने तदोपरांत हेरिटेज पार्क का निरीक्षण किया और इसके रखरखाव के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने हेरिटेज पार्क के निर्माण में योगदान के लिए एलियन अप्लायंसेस के संयंत्र प्रमुख जेएस कांग और टोरेंट फार्मा बद्दी के संयंत्र प्रमुख सोमेन महती को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉ राजीव सहजल, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा, नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज शहीदी दिवस के रूप में हम पूरे देश भर में सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के योगदान को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष में अपना जीवन कुर्बान किया और बहुत बड़ा लंबा संघर्ष, और आखिरकार हम उसमें सफल हुए, देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात यह हमारा दायित्व तो है कि जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, उनको स्मरण करना चाहिए। और उस दृष्टि से जितने भी ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देश की स्वतंत्रता के लिए दी है, हम उनको आज स्मरण करते हैं। और इन तीनों जिनका मैंने जिक्र किया, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन्होंने आज के दिन, एक ही दिन इनका जो है बलिदान हुआ है देश के लिए, इनके उस योगदान को आज भी हम स्मरण करते हैं। भले ही आज़ाद भारत में हम आगे बढ़ते हुए तरक्की के रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नए मुकाम पर पहुँचे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो दौर जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उस वक्त के जीवन में और आज के इस जीवन में कितना अंतर है। और यह अंतर अगर हुआ है तो उसमें इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और श्रद्धांजलि के साथ साथ में सभी उन देशभक्तों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर के इस भारत को स्वतंत्र किया।